आज हम डीबगर का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि डीबगर का मतलब क्या होता है। देखो, अगर सपोज आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि वो प्रोग्राम आपने एक ही बार में विदाउट एनी एरर्स लिख लिया। ऐसा तो नहीं होने वाला, तुम कुछ ना कुछ एरर्स तो कमिट करोगे वो प्रोग्राम लिखते वक्त, राइट? तो बेसिकली एक प्रॉब्लम है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है डीबगर। डीबगर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके मदद से हम हमारे एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हमें ये बताता है कि इन एरर्स का लोकेशन कहाँ पे है, और इन एरर्स को फिर हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत बार इन मिनी सिचुएशंस डीबगर जो एरर्स हमने कमिट किए हैं उन एरर्स का सोल्यूशन भी हमें प्रोवाइड करता है। अब ये जो डीबगर है वो हमें ये भी बताता है कि किस एग्जैक्ट लाइन में वो एरर है। मतलब अगर सपोज एक प्रोग्राम के अंदर हमने एरर कमिट किया है तो डीबगर हमें बताएगा कि ये जो एरर हमने कमिट किया है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में किस लाइन के अंदर है, और वो ये भी बताएगा कि ये जो एरर हमने कमिट किया है इस लाइन पे वो किस प्रकार का या किस टाइप का एरर है। जिससे क्या होगा, जिससे हम उस एरर को कन्वीनियंटली सॉल्व कर सकते हैं। अब वैसे तो डीबगर के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बट मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डीबगर के 3 कॉमन फीचर्स शेयर करूंगा। सबसे पहले फीचर के अंदर हम डीबगर के मदद से एक प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर सपोज हमारा प्रोग्राम क्रैश हो रहा है तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम कहाँ पे और क्यों क्रैश हो रहा है, एंड देन फिर हम हमारे मिस्टेक को रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सेकेंड फीचर इज रिवर्स डीबगिंग। ये फीचर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड कराता है, और इस फीचर के अंदर अगर एक प्रोग्राम लेट से एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो रिवर्स में कैसे एग्जीक्यूट होगा ये हम देख सकते हैं। अब ये फीचर बहुत बार यूज नहीं होता, मतलब कॉमनली यूज फीचर नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। एंड डीबगर का थर्ड फीचर ये है कि डीबगर के मदद से हम एक प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल के वैल्यू को ट्रैक भी कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कुछ कॉमनली यूज डीबगर्स कौन से हैं। सबसे पहला डीबगर इज GNU डीबगर, सेकेंड डीबगर इज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो डीबगर, थर्ड डीबगर इज वैलग्रिन डीबगर, फोर्थ डीबगर इज रडार2 डीबगर, फिफ्थ डीबगर इज LLDB डीबगर। अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। यह हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।